हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसी की रसोई। वाई ऐसी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने ली है फूल गोभी। इस फूल गोभी को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे फूल गोभी की भुजिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने फूल गोभी को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम लहसुन, प्याज और अदरक इनको भी काट लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4 चम्मच तेल है, ये नॉर्मल 4 चम्मच तेल जिससे हम खिचड़ी वगैरह खाते हैं उसी से मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम ये गोभी इसमें डाल देंगे। तो गोभी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे गोभी को, तो अच्छे से पकेगी और कलर भी अच्छा आएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम गोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेंगे। ये मैंने लिया है प्याज और लहसुन, और ये है एक कटोरी में पानी। इस पानी में मसाले मिक्स कर लेंगे। ये है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। स्वाद के अनुसार डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम गोभी फ्राई करेंगे तब तक ये मसाले पानी में अच्छे से फूल जाएंगे। गोभी को भूनने में हमें लो मीडियम फ्लेम पे अगर हम गोभी को भूनेंगे तो इसको 15 मिनट आराम से लग जाएगा गोल्डन ब्राउन होने में। हम इसको चलाते हुए भून लेते हैं। गोभी को मैंने चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। गोभी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसको इसी स्टेज पे हम निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा तेल बचा हुआ है इसी में हम मसाले फ्राई कर लेंगे। तो चलिए पहले गोभी को निकाल लेते हैं। तो गोभी का भुजिया बनाने के लिए अब डाल देंगे हम कढ़ाई में जीरा। अब डाल देंगे प्याज और लहसुन कटा हुआ। चलाते हुए प्याज और लहसुन को भून लेंगे। प्याज और लहसुन भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले जो हमने पानी में मिक्स करके रखे हैं। और मसालों को हम चलाते हुए भून लेंगे। मसालों को हम चलाते रहेंगे, चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाले भून चुके हैं, अब हम इसी में डाल देंगे गोभी जिसको हमने फ्राई करके रखा है। अब गोभी को भी हम मसालों के साथ में भून लेंगे और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इनको हम चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा पानी है इसमें 1 से 2 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। जितने में पानी सूखेगा उतनी देर में मसाले गोभी में अच्छे से मिल जाएंगे। तो इनको मिला लेंगे और एकदम सूखी भुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे गोभी की। तो अब आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है और मसाले और गोभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे
और इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोभी की भुजिया बनकर तैयार है। तो ये गोभी की भुजिया बनकर तैयार है। अगर आपको गोभी की भुजिया का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।